हमने 6 श्लोक तक चर्चा किया था, कल जो चर्चा किया था किसी कुछ याद है? आज हम 7वें श्लोक में चर्चा करेंगे, कल से कोई कुछ पॉइंट श्लोक से रिलेटेड तभी हम लास्ट में हमने 5 प्रश्न के बारे में बात किया था, किसी को याद है 5 प्रश्न? बहुत अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा, आपका प्रोसेस क्या है, आपको प्रोसेस कहाँ ले जाएगा, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, और 5वां हाँ सूटेबल एनवायरनमेंट, 4, 5वां कौन मेरी मदद कर सकते हैं। हरी बोल। तो हमने 4 पे ही चर्चा कर पाई थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो, है ना, 5वें पे चर्चा नहीं कर पाए थे। पहला हम कहाँ हैं? जालाब्दी मग्नम, हम दुख जालाब्दी मग्नम, अतितम माम विष्णु भवाम बुध, हम दुखों के जाल में हैं, हर समय कोई ना कोई दुख आ रहा है, दुख जालाब्दी मग्नम। कहाँ जाना है? आनंद के सागर में। आनंद कैसे जाएंगे? नाम संकीर्तन। कौन इन्वायरमेंट क्या है नाम संकीर्तन करने को? फेवरेबल इन्वायरमेंट कहाँ, जहाँ पे हम आसानी से नाम संकीर्तन नाम जप कर सकते हैं? वैष्णवों का संग। 5वां प्रश्न है हमें, इसमें गाइड कौन करेगा, मदद कौन करेगा, रास्ता कौन दिखाएगा, वो है गुरु। तो कई बार हम इस 5वें फैक्टर को थोड़ा कम देखते हैं, तो वो जो गुरु और जो वो साधु है उसकी कृपा भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कोई योग्यता ना होते हुए भी अगर उसकी कृपा हो जाए तो हम भक्ति में आगे आ सकते हैं, और सिर्फ बढ़ना ही नहीं, हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति साधना भक्ति की सफलता है, भाव भक्ति, भाव प्रेम के स्तर तक हम पहुंच सकते हैं सिर्फ एक साधु की कृपा से। व्हाट कॉजेस भक्ति, भक्ति का कारण क्या है, किसी को बताएगा भक्ति का कारण क्या है, माने भक्ति में क्या कारण है कि मैं भक्ति में लगूंगा, तो प्रयोजन है। हम भक्ति में आएंगे इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, वो तो रिजल्ट है। क्या भक्ति हमें मिलती है? अज्ञात सुकृति से, अज्ञात सुकृति, सुकृति पिछले जन्म की सुकृति है ना, और वो भी बहुत डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। उस सुकृति में भी भेद है थोड़ा बहुत, ज़्यादा सुकृति भक्ति से दूर ले जाती है ना, और तो सुकृति माने क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म्स में ना जाते हुए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भक्त आया और यहाँ से निकल गया और उसने कीर्तन की आवाज़ सुनी और उसके मन में भाव आया कि बहुत अच्छा चल रहा है, प्रणाम किया, तो उसको ना कुछ सुकृति मिलेगी, ठीक है। या जैसे किसी के बेटे का नाम है विष्णु, तो वो जब बुलाएगा अपने बेटे को विष्णु, तो भगवान क्या सोच के बुला रहा है, भगवान को बुला रहा हूँ ऐसे सोच के तो बुला नहीं रहा है, तो इससे उसे अज्ञात सुकृति मिलती है। उसने विष्णु का नाम तो लिया लेकिन ये सोच के नहीं लिया कि मैं विष्णु का नाम ले रहा हूँ। कोई व्यक्ति यहाँ आए नया, या आपको स्टेशन मिल जाए, कहीं मिल जाए, आप उसको कुछ खाने को दे दें तो वो खाएगा और उसको अच्छा लगेगा, तो वो कहेगा बहुत अच्छा है, आपने जो भी दिया मेरे को बहुत अच्छा है, तो वो तारीफ कर रहा है ना, इससे उसको सुकृति मिलेगी।
अगर वो ये सोच के तारीफ कर रहा है कि ये प्रसाद है और मुझे मिला है और ये बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवत प्रसाद है, तो इसे कहेंगे भक्ति। और अगर वो ये सोच के वो तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा आइटम है ना, बहुत अच्छा केक है, बहुत अच्छा बिस्किट है, तो इसे कहेंगे सुकृति, क्योंकि वो ये सोच के नहीं बोल रहा है कि भगवत प्रसाद है। इस तरीके से बहुत जन्मों में हमने थोड़ी थोड़ी सुकृति कलेक्ट करते 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 करते, तब कहीं ये तो बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन तब कहीं हम भक्ति में जुड़ पाते हैं। और कई बार मनुष्य जन्म लेने पर भक्ति, कृष्ण भक्ति मिलती है, ऐसा भी वर्णन है। डिटेल में उतना मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं है। पहली बार जब वो 84 लाख योनियों को कवर करते हुए जब मनुष्य बनेगा ना, तो शायद वो फर्स्ट गणेश की पूजा करेगा, फिर दुर्गा की, फिर शिव की, ऐसे है अलग अलग। तो 7 या 8वीं साइकिल में जब वो मनुष्य जन्म पर आएगा, मैं कई साइकिल में, नंबर इधर उधर हो सकता है, तब उसको क्या मिलेगा? कृष्ण भक्ति। तो इस तरीके से, पर एक और तरीका है जो फास्ट भक्ति देता है, वो क्या है? अहेतु की कृपा। वो है 5वां प्रश्न का उत्तर, गुरु या वो कोई शुद्ध वैष्णव, वो अगर चाहे कि इसको भक्त बनना है, इसे कृष्ण की कृपा मिलनी है, तो फिर मिलनी ही है ना। समझ रहे हैं? समझ नहीं आ रहे क्या? तो वो भक्त जो है, अगर उसने, वो कैसे करेगा? वो देखेगा कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, सफाई करता है मंदिर में, बहुत बढ़िया सेवा करता है, तो कोई महाराज आए, देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कोई भी, तो वो उसको कृपा दे देंगे या उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, है ना। तो वो एकदम से ऊपर आ जाएगा भक्ति में, एकदम से। या कभी कभी वैष्णव का हृदय इतना द्रवित हो जाता है फिर दया से, करुणा से, कि कोई बहुत गलत कामों में लगा, बिल्कुल जिसका कोई चांस नहीं, उसको भी कहते हैं कि यार इतना परेशान है ये, कृष्ण इसको कृपा करो। तो उसको भी तुरंत मिल सकता है। तो जैसे हम एक दिन चर्चा कर रहे थे ना, कि जो हमसे भक्ति में कम हैं, उन पर हमें क्या करना चाहिए? दया का भाव, उनसे ना घृणा करें, ना उनसे ईर्ष्या रखें, ना उनसे नफरत करें, उन पर हम क्या करें? दया करें। कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी भक्ति में आगे बढ़े। यही वो 5वां चीज है जो हमें गाइड करता है, गुरु साधु जो हमें दिशा दिखाता है, हम आउट ऑफ ट्रैक होते हैं फिर वापस ट्रैक पर आते हैं। तो ऐसे उस वैष्णव की कृपा, उस वैष्णव की इच्छा, भक्ति, भक्त की इच्छा, भक्त की इच्छा है तीसरा कारण दामोदर लीला का। दो कारण मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको, पहला है क्या? नहीं, दामोदर लीला क्यों हुई, इसके 3 कारण हैं, 2 मैं आपको बता चुका हूं। हरि बोल, फर्स्ट करेक्ट। सेकंड, पहला तो इन्होंने बिल्कुल सत्य बताया, बहुत अच्छे सुन रहा है कथा, यानी तो पहला है यशोदा माता का गुणगान होना था, कि किसी को ये ना लगे कि यशोदा माता को ब्रह्मा जी की वरदान की वजह से ये माँ बनने का सौभाग्य मिला, पहला। दूसरा, भक्तवश्यता, इस पर हमने काफ़ी चर्चा किया था ना इस शब्द पे, तो भक्त और भक्ति, पहला कारण
भक्त की महिमा बताना है, दूसरा कारण भक्ति की महिमा बताना है। भक्ति की महिमा कि जो भक्ति से कर रहा है वो मुझे बांध सकता है ना, वो मुझे बांध सकता है। जो ज्ञानी है कर और जो प्रोसेस में लगा वो नहीं बांध सकता। कौन बांध सकता है? जो भक्ति कर रहा है वही बांध सकता है। अब तीसरा कारण है, पहला हो गया भक्त, दूसरा भक्ति, तीसरा भक्त इच्छा। उस पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे। भक्ति भजो के तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित नमोदरे। तो तत्वत मुनि ने पहले प्रार्थना क्या किया कि हमें हमारे हृदय में हमारे मन में आपके गोपाल स्वरूप के दर्शन हों। फिर उन्होंने उनका भाव और बढ़ा, उन्होंने फिर आगे क्या किया कि अधि ऐच्छिक दृष्ट्या कृपा दृष्टि विस्त्याति दीनम, आप कृपा की वर्षा मुझ पर करते हुए मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष मुझे दर्शन देने की कृपा करें। फिर इसके बाद उनका भाव और बढ़ रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि मुझे वो भक्ति दें। कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। तथा प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति दें। महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी च कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयी। न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, और तो फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म आपकी भक्ति। जन्म जन्म माने मुक्ति भी नहीं चाहिए ना, मोक्ष नहीं, न मोक्षम पिछले हमने ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए, धन जन सुंदरी कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म तक मैं आपकी भक्ति करता रहूं। वही सत्वत मुनि कह रहे हैं कि वो प्रेम भक्ति मुझे चाहिए। तो भगवान कह सकते हैं प्रेम भक्ति चाहिए, अच्छा क्या क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेम भक्ति चाहिए तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। क्या क्वालिफिकेशन है कि प्रेम भक्ति दें? सत्वत मुनि कहते हैं क्वालिफिकेशन होने पे ही मिलेगी क्या? फिर मेरे पास ऐसे केस हैं जहाँ पे आपने बिना क्वालिफिकेशन के दिया है। क्या है केस? कुबेर आत्मजौ, कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ते व यद्वत्। कुबेर आत्मजौ, कुबेर के दो पुत्र, कुबेर आत्मजौ माने कुबेर के दो पुत्र, कौन? नल कुबेर मणिग्रीव। कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तैव, मूर्त्य एव उखल से बद्ध मूर्त्य माने उखल से बंधे होते हुए भी, एव माने ही, यद्वत जिस प्रकार त्वया मोचितौ, आप त्वया आपके द्वारा मोचितौ उनको मुक्त किया। किसको? भक्ति, जो कुबेर के दो बेटे थे नल कुबेर मणिग्रीव, उनको आपने बंधन से मुक्त किया। किस स्थिति में? जब आप खुद बंधे थे, आप खुद बंधे थे लेकिन आपने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जो खुद बंधा है वो दूसरे को नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ भगवान खुद बंधे रहते हुए भी दूसरे को मुक्त किए हैं, और सिर्फ मुक्त नहीं किए, भक्ति भाजव कृतौचा उनको क्या दिया? भक्ति, तथा उसी प्रकार प्रेम भक्ति स्वकामे प्रच्छा। जैसे आपने उनको दे दिया प्रेम भक्ति, मुझे भी दे दीजिए। न मोक्षे ग्रहो में स्थि दामोदरे, हाँ इसके अलावा मुझे और कोई कामना ही नहीं है, मोक्ष वोक्ष की कोई कामना नहीं है, है ना। तो हुआ क्या था कि जब माता ने बांध दिया भगवान को, तो उसके बाद माँ तो अंदर चली गई, कुछ बच्चों को लगा गई कि देखना कुछ और गड़बड़ ना करे, है ना।
वैसे भी माँ को थोड़ा विश्वास था कि उखल बहुत भारी है, तो ये इसको नहीं हटा पाए, इसको नहीं गिरा पाएगा, और भी बच्चों को लगा दे के देखे रहना। तो भगवान जब तक रो रहे थे जब तक माँ वहाँ थी, जैसे ही माँ वहाँ गए भगवान हो गए प्रसन्न। क्यों? उनको एक नया आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिल गया? कि अब तो मैं उखल के साथ ही खेलूँगा। तो वो उखल को खींचते खींचते यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, है ना, सब जगह जा जा के वो बच्चों को आनंद दे रहे हैं, है ना, और बच्चे भी खुश हैं उनके उखल को खींचने की वो देख के। फिर उनको अचानक एक चीज़ ध्यान आई कि ये है तीसरा कारण, भक्त की इच्छा। तो एक बार उनके परम भक्त ने एक इच्छा की। क्या इच्छा की? कौन है वो परम भक्त? हाँ, नारद जी एक बार जा रहे थे, तो ये कुबेर के दो बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव ये नदी में स्नान कर रहे थे, और जो स्त्रियां थीं उनके साथ, कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं पूरा। एक तो इन्होंने पहली गलती क्या करी, इन्होंने नशा किया हुआ था, है ना। दूसरा, स्त्रियों के साथ खुले पानी में क्रीड़ा कर रहे थे। तीसरा, अच्छा दो गलतियां तो दोनों ने करी, मैंने स्त्रियों ने भी करी और लड़कों ने भी करी, दोनों लड़कों ने। ये किसके बेटे थे? कुबेर के बेटे। कुबेर कौन है? तो बड़े बाप के बेटे थे, कौन हमें कुछ कर लेगा, तो जो मन में आए करते थे। तो वहाँ से आ रहे थे नारद जी, तो जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने कहा कि नारद जी आ रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा लज्जा हुई, तो उन्होंने अपना थोड़ा कपड़ा वपड़ा डाला। तो ये कहते, अरे क्या है, साधु है तो चला जाएगा उधर से, क्यों तुम इतना परेशान हो रही हो। तो उन स्त्रियों ने वैष्णव अपराध तो नहीं किया, लेकिन ये अपने धन के मद में, पहले तो धन का मद एक, और दूसरा जो नशा किया था उसका मद, तो डबल नशा हो गया। तो इतने नशे में इनको वैष्णव नहीं दिखा कि ये कोई वैष्णव आ रहा है, जबकि वो साक्षात नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। तो यहाँ पे दोनों, एक चीज़ तो देखने वाली ये है कि वैष्णव का लक्षण, उनका अपमान हो रहा लेकिन हृदय से कृपा निकली। अपमान तो किया, यानी कि मेरा अपमान किया तो मैं तेरे को नरक में भेजूंगा, नहीं, कृपा निकली, ये है वैष्णव का हृदय। वो मेरे साथ गलत करेंगे लोग, मेरा अपमान करेंगे लोग, लेकिन वैष्णव बदले में उसके लिए प्रार्थना करता है। ये एग्जिबिट हो रहा है नारद जी के आचरण से। इन्होंने अपराध किया, अपमान किया, अवहेलना करी वैष्णव की, और उन्होंने इनको श्राप दिया। श्राप तो वो कहने के लिए श्राप है, लेकिन एक्चुअली में वो वरदान है। कैसे? वो कौन सा है प्रभु जी? राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदा, जन्म जन्म जियो वृंदावन को बाज। आगे, सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, और भी तो है आगे। राधे 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 राधे, जब तक तुम दर्शन न दोगी कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, ऐसे कुछ है ना। एनीवे, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। हम जिस वृंदावन के वास को तरस रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नारद जी ने सांप के रूप में उन दो कुबेर के बेटों को वृंदावन का वास दे दिया। प्रभु जी वैष्णव का अपमान कर रहे हैं और वैष्णव वृंदावन वास दे रहे हैं, इसे कहते वैष्णव। और वृंदावन वास ऐसे नहीं दिया, डायरेक्ट नंद बाबा के आंगन में नारद जी की, इसे कहते हैं दया हृदय में। मुश्किल है प्रैक्टिस करना,
पर एस्पायरिंग तो एस्पायरेशन तो ले ही सकते हैं। तो नारद जी को उन्होंने उनके सामने गलत काम किया, उनका एक तरह से अपमान किया और नारद जी ने उनको श्राप दिया कि अब दंड भी देना है ना। तो उनको श्राप क्या दिया कि जाओ कपड़े नहीं पहनने ना तुम्हें, तो ये जो तुम करना चाहते हो तुम्हें हम फैसिलिटी रूप में ही देते हैं, जाके क्या बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। वृक्षों को कौन से कपड़े की जरूरत है, आराम से खड़े रहो सदियों तक और तुम्हारा उद्धार कब होगा, कृष्ण के द्वारा ही होगा। तो ये क्या नारद जी ने कृष्ण से एक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके पूछा क्या, ऐसा बोल रहा हूँ आप कर देंगे ना, मैंने बोल दिया है यहाँ पे, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, आप आके द्वापर में आके काम कर देंगे ना, ऐसा ऐसा तो पूछा नहीं, बोल दिया जाओ नंद वहाँ पे पेड़ बने रहो और जब भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कृष्ण ये भी तो कहते भाई हमसे तो पूछ लो, बोल दिया। तो कृष्ण जब उखल से बंधे हुए थे और वहाँ आंगन में लीला कर रहे थे तब कृष्ण के मन में ये ध्यान आया कि मेरे एक भक्त ने एक इच्छा करी थी। क्या इच्छा करी थी कि इन दो नल कुबेर मणिग्रीव जिन्हें दो दो नशे का अभिमान, दो दो मद से जो अपराध कर रहे हैं इनको कृष्ण कृपा मिलनी चाहिए। भक्त ऐसे होते हैं। नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने उसने उनके सिर पे मारा, खून बह रहा है, तो भगवान ने भक्त के प्रति जो अपराध होगा, आज हम माता जी के यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, भक्त के प्रति जो अपराध होगा, दोनों ही बातें हैं, भगवान के प्रति अपराध करेंगे भगवान ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्यों कितने कर रहे हैं, अगर टेंशन नहीं लेने लगे तो आधी जनसंख्या आज ही खत्म हो जाए, है ना, तो भगवान ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। और भक्त के प्रति अपराध करे तो भक्त भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, और टेंशन कौन लेता है, फिर भक्त के प्रति अब किए गए अपमान की टेंशन भगवान ले लेते हैं, है ना। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपमान किया, सुदर्शन ने टेंशन ले लिया, तीनों लोकों में गए दुर्वासा ऋषि, ब्रह्मा शिव स्वयं विष्णु सबने हाथ खड़े करके बोल दिया निताई घोर हरि बोल, हमसे नहीं होगा। विष्णु से कहते अरे आपसे कैसे नहीं हो, आपका तो हाथ में रहते सुदर्शन। बोले भाई ये भक्तों के आपस का मैटर है, मैं बीच में क्यों फंसूं, तो बोले उपाय क्या है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तब स्थाने अपराधे नहीं परित। भक्त के प्रति किए गए अपमान का कोई भी साधन नहीं है मुक्ति का, एक ही उपाय है। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा कि जाओ आप उन्हीं अम्बरीश के पास जाओ जिनका आपने अपमान किया है, अगर वो आपको क्षमा कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रभु जी अब आए हैं, प्रभु जी का क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। तो भक्त के प्रति अगर अपमान होगा तो भगवान उसको हल्के में नहीं लेंगे, भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्त तो यहाँ पे उल्टा वरदान दे रहा है, नारद जी उल्टा वरदान दे रहे हैं, लेकिन श्राप के केस के अंदर श्राप दिया कि पेड़ बन जाओ, है ना। इसलिए पूरी प्रभुपाद की भगवद गीता में वो फोटो इसलिए बनाया कि जो कपड़े अच्छे से नहीं पहन पा रहे हैं वो क्या बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, तो टेंशन ही खत्म कर दो इनकी कपड़े पहनने की। तो वो बन गए दो पेड़ वहाँ पे, है ना। लेकिन अब देखिए आप भक्त की कृपा है कि पेड़ बने भी तो किस भूमि के, ब्रज भूमि के, वो भी किस जगह के, वही गोकुल, उसी गोकुल में वही घर जहाँ पे भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो ऐसी वैष्णव कृपा, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि मेरे भक्त ने इच्छा की थी, चलो आज उसको पूरा कर देते हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं है भगवान का, क्यों करेंगे,
भाई नल कुबेर मणिग्रीव ने क्या किया, क्या किया? कोई माला करी? कुछ तो नहीं करा ना। इसीलिए सत्यव्रत में नहीं कह रहे कि मुझे वो तथा प्रेम भक्ति स्व कामे पर, अच्छा मुझे वही प्रेम। मणिग्रीव और नल कुबेर ने कौन से आपके यहाँ पे रोज सुबह आके जपा करा, रोज मंगल आरती क्या करा उन्होंने? और अगर वही कारण तो हम भी अपराध करने लग जाएगा। बोले नहीं, सिर्फ आपकी कृपा और भक्त की इच्छा है, तो वही आप मुझे दे दो। वही क्या दे दो? वो भक्त की इच्छा हुई उन दोनों पर, भगवान ने सोचा रे मेरे भक्त ने इच्छा की थी, इसलिए दामोदर लीला का ये तीसरा कारण बनता है कि उस भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने उस उखल को और खींचा है, नहीं तो क्या जरूरत थी? ऑलरेडी भगवान बंधे हुए हैं और मेहनत क्यों करेंगे? भगवान और मेहनत, भगवान ऑलरेडी बंधे हुए हैं, लेकिन उसे भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए, इसलिए भक्त ने अगर कुछ बोल दिया तो भगवान उसको लेके बैठ जाते हैं कि इसको तो पूरा करना है। तो भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया, और जब वो भगवान क्या किए, उखल को खींचते गए और दोनों पेड़ों के बीच में फंसा के और खींच दिया, तो वो दोनों पेड़ गिर गए। भगवान से क्या रस्सी में इतनी ताकत थी कि वो दोनों पेड़ गिरा दे, या उखल में इतनी ताकत थी कि दोनों पेड़ों को गिरा दे? लेकिन भगवान से जुड़ने के कारण वो रस्सी और वो उखल दोनों दिव्य हो गए, और उनमें भी वो शक्ति आ गई, और उन्होंने दोनों जब पेड़ गिरे उनसे दो सुंदर व्यक्ति निकले, उन्होंने प्रार्थनाएं करी और वो गए। तो ये जो दो पेड़ कई सदियों से वहाँ थे, तो बहुत बड़े पेड़ थे जिनके गिरने की आवाज़ इतनी भयंकर हुई कि पूरे ब्रज में आवाज़ गई, और सब लोग वहाँ दौड़ दौड़ के आए, नंद बाबा आए, सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इतने भयानक पेड़ गिरे और उसके बीच में हमारा छोटा सा कान्हा खेल रहा है, अगर उसके ऊपर गिर जाता तो क्या हो जाता? तो सब कहने लगे किसने बांधा, बांधा किसने पहले बताओ, हैं? ओ मैया ने बांधा। मैया को अलग टेंशन, मैया तो देख के ही बेहोश हो गई, उसको तो होश ही नहीं है। मैया को लग रहा है मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया आज, अगर उसके ऊपर गिर जाते तो फिर पूछा कौन था यहाँ, कौन था, कैसे गिरा, कौन, किसी ने देखा क्या? तो बच्चे थे, तो बच्चे, अब कई बार ना बच्चों की बातों को वो सत्य भी बोलते हैं तो बच्चों की बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते, वो सत्य बोलते हैं। बच्चे ने कहा अरे ये हमारा कन्हैया ऐसे उखल खींचते खींचते आया घुटने घुटने से, और इसने ना ऐसे फंसाया पेड़ों के बीच में, खींच दिया दोनों पेड़ गिर गए। तो लोग कहते बंद करो, मजाक चल रहा है यहाँ पे, अरे हम सही कह रहे हैं, पूरी बात तो सुन लो, हम सही कह रहे हैं। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इतना ही नहीं हुआ, वो दो पेड़ टूटने गिरने के बाद उससे दो व्यक्ति निकले, बहुत सुंदर देव स्वरूप व्यक्ति। यार बच्चे बड़े यार ड्रामा सीखे हैं, और वो दोनों इसके प्रणाम कर रहे थे, बार बार दंडवत कर रहे थे इसको, इनको अलग करो साइड में ले जाइए, सब इतना बड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों की बात किसी ने मानी नहीं, फिर सबने बाद में एनीवे मीटिंग करी कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, तो फिर गोकुल से दूसरी जगह गए। तो उसके बाद शाम को, ये तो सुबह की बात थी, सुबह से 12 घंटे तक माता परेशान रही हैं, फिर अगले दिन भी सब ऐसे ही माहौल ऐसे ही था, मतलब मायूस था, क्योंकि माँ तो अलग परेशान थी कि इतनी बड़ी घटना घट गई, सब लोग शांत थे, कोई आनंद नहीं था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब किसी ने कहा खाना खा लो मन नहीं है, तो किसी ने कृष्ण से पूछा कि मैया के पास जाओगे? हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, मैया मेरे को बांधती है, है ना? तो फिर किसके पास जाओगे? मैं बाबा के पास रहूँगा हमेशा। अच्छा तो रोहिणी माता के पास? नहीं, वो भी मेरे को छोड़ के गई थी। अच्छा तो दूध कौन पिलाएगा? गैया है ना,
भैया दूध पिलाएगी। तो कौन खेलेगा आपके साथ? मेरा भैया है ना। अच्छा, तो भाई की मदर के पास जाओगे? रोहिणी मदर? नहीं, वो भी छोड़ के गई। ऐसे करते करते सब लोग बड़े परेशान थे। और किसी नंद बाबा ने कहा सही है ये, बोले वो माता यशोदा तो बेहोश होगी, बोले वो सही है ऐसे होना चाहिए। अरे ऑलरेडी वो परेशान है, आप ऐसा बोलोगे तो उनका दिल और टूट जाएगा। तो सब लोग बोले कृष्ण से आप आगे से ना मैया से कोई बात नहीं करेगा ये सब। तो ऐसे करके उन्होंने कैसे करके भगवान को मनाया ना। और बाद में जब भगवान कैसे भी नहीं मान रहे थे तो नंद बाबा ने कहा चलो अब हम मैया को क्या करेंगे, पीटेंगे। क्यों ऐसी गलती करते? जैसे ही नंद बाबा ने मैया को पीटने के लिए हाथ उठाया, कृष्ण कहते नहीं मेरी मैया को कुछ मत बोलो, है ना। तो वहाँ पे उनका दोनों का फ्रेंडशिप वापस। तो सॉरी तो नल कुबेर और मणिग्रीव का इस तरह से भक्त की इच्छा की वजह से भगवान ने उनको प्रेम भक्ति दिया। तो सत्यव्रत मुनि भी उसी प्रेम भक्ति को मांग रहे हैं। एक भक्त की इच्छा से आपने इन दोनों को प्रेम भक्ति दिया तो हमें भी दो। तो उसी समय भक्त ना बड़ा, भक्त को भी बड़ा वो रहता है। तो उसी समय इनको लगा कि मैं बोल तो रहा हूँ कि नल कुबेर और मणिग्रीव को भक्त कृपा किया है, लेकिन उनके पीछे तो एक भक्त की इच्छा है, तो मैं मेरे ऊपर भी तो कुछ हाथ होना चाहिए ना किसी का। नमस्ते स्तुदामने स्फुरा दीप्ति दामने त्वदीयो धरायात विश्वस्य धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंद लीलाय। अब एक भक्त की हाथ चाहिए ना, तो तुरंत किसकी शरण ली? नमो राधिकायै, राधा रानी के चरण पकड़ ली। राधा रानी की अब नहीं कुछ कह सकते ना, राधा रानी बोलेंगे तो फिर क्या कहोगे, है ना। तो पूरी तरीके से भगवान को अपने उसमें भक्ति में इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति हमें दे ही दो। तो आठवां श्लोक कल करें, यहीं पे इसको विराम देते हैं। आठवां श्लोक कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। भक्ति क्या है? अच्छा क्वेश्चन, सारे फिलोसॉफिकल हो रहे हैं। भक्ति कई तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक जगह तो बोला है सभी पुंसा परो धर्म यथा भक्ति दक्षिणे, एक इन सभी इंसानों के लिए, सभी पुंसा परो धर्मा, सभी लोगों के लिए, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सभी के लिए जो परो धर्म है, परो धर्म ने सर्वश्रेष्ठ करने योग्य कार्य है यथा भक्ति अधोक्षज, वो है भक्ति। अधोक्षज, अधोक्षज का कृष्ण का नाम है। अधोक्षज का मतलब होता है जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, उन अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी जो भक्ति करना, वही मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करना, उनकी इंद्रियों के लिए, उन कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए काम करना, ये भक्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो कैसे कर सकते हैं? श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा, नौविधा भक्ति, नौ विधाएं हैं जिसमें श्रवण कीर्तन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी इम्पॉर्टेंट हैं पर एक कलयुग में, पर शुरुआत श्रवण से होती है, श्रवण कीर्तन से, फिर आप आगे स्टेज में जाएंगे, है ना। तो कीर्तन सबसे मेन है, कीर्तन करने के लिए आपको श्रवण करना। भक्ति यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझेंगे तो भक्ति वो है जिससे आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। मायावादी लोग बोलेंगे कि हम भगवान हैं, हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान के बराबर पहुंच जाएंगे। तो इस ये यशोदा माता के इस प्रसंग में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक, चलो डिस्कशन के लिए थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए वैसे है नहीं, पर प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई मायावादी लोग भगवान बन सकते हैं, थोड़ी देर के मान लेते हैं, क्या वो भगवान को बांध सकते हैं? नहीं ना। कौन बांध सकता है?
भक्तवान सब, बस भक्ति योग श्रेष्ठ है ना। वैसे भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर एक बार मान भी लें तो तब भी श्रेष्ठ नहीं, क्यों? भक्त तो भगवान को बांध रहा है। तो भक्ति वो है जिससे आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, और भक्ति वो चीज़ है जिससे आप, ये तो हाई लेवल के आंसर हैं, भक्ति हमारे स्तर पे समझना, तो भक्ति वो है जिसको करने से आप अपने खोए हुए संबंध को, जो कि कृष्ण के साथ आप अपने खोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं। क्या बोला? आप कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं, वो विधि है भक्ति। क्यों? जब तक आप उस आनंद, उस कनेक्शन को, आप हमेशा आनंद की खोज में हैं, और जब हम किसी से भी कोई संबंध बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये संबंध बनाने से हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। आनंद मिलता नहीं, हर व्यक्ति धोखा दे के जाता है, राइट? तो जब हम इस धोखे की दुनिया से बाहर निकलें, कृष्ण से अपना संबंध, जो कि ऑलरेडी है पर हम भूल गए, वो नहीं भूले, है ना, जब हम उसको वापस, हमें, उन्हें तो याद है, हमें याद नहीं है, तो जब हम उसको वापस हमारे मेमोरी में आ जाएगा तब क्या होगा, हम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, है ना। तो वही विधि है भक्ति, वो विधि भक्ति है जो आपको कृष्ण से वापस मिला सकते।